एक तरफ जहां प्रदेश की भाजपा सरकार बच्चों की शिक्षा और सुरक्षा को लेकर बड़े बड़े दावे करती है, वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन के अधिकारी धजियां उड़ा रहे हैं। बच्चे देश का भविष्य माने जाते हैं, लेकिन सिरसा के गांव बाजेका के सरकारी स्कूल में उन्हीं बच्चों के भविष्य के को दांव पर लगाकर स्कूल के लिए एक नई बिल्डिंग तैयार की गई है। सिरसा के गाँव बाजेका में 12वीं की कक्षा तक सरकारी स्कूल है, अब प्राथमिक पाठशाला के लिए नई बिल्डिंग का निर्माण किया गया है। जिस जगह पर नई बिल्डिंग बनाई जा रही है उसका काम अभी बाकी है, लेकिन बच्चों को शिफ्ट किया जा रहा है। वहीं नई बिल्डिंग को जाने वाला रास्ता कच्चा है और दोनों तरफ गहरे तालाब हैं जो कभी भी हादसों का कारण बन सकते हैं। अभिभावकों को भय सता रहा है कि उनके बच्चे कभी भी इन तालाबों में मौत का ग्रास बन सकते हैं, इसलिए वे अपने बच्चों को नई बन रही बिल्डिंग में भेजने को तैयार नहीं है। वे मांग कर रहे हैं कि पहले जोड़ों की चारदीवारी बनाई जाए और निर्माण कार्य पूरा होने के बाद ही बच्चों को शिफ्ट किया जाए। आपको बता दें कि कुछ समय पहले गांव जोधकामे में दो बच्चों की मौत तालाब में डूबने से हो चुकी है। क्या यहां भी प्रशासन इस तरह की घटना होने के बाद जागने की मंशा रखता है? न्यू न्यूज फॉर यू के लिए सरसा से डॉक्टर गुलाब सिंह। हम इकट्ठे हुए हैं कि उधर स्कूल को अधूरा स्कूल को तैयार किया गया है और बच्चों को जबरदस्ती वहाँ ले जाया जा रहा है, जिससे बच्चों को एग्जाम एन शुरू पे आ रहे हैं और बच्चे बहुत ज्यादा डिस्टर्बेंस हो रहे हैं और वहाँ स्कूल की कोई फैसिलिटी नहीं है। वो छप्पड़ है, दोनों तरफ बहुत डेंजर जोन है, वो इतनी ज्यादा दिक्कत है कि मतलब 20-20 फुट दोनों तरफ छप्पड़ है, सड़क बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं उसकी छप्पड़ की पहले चारदीवारी हो, फिर बच्चों को भेजा जाए ताकि बच्चों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए। कल को कोई भविष्य में बच्चा गिर जाता है या कर जाता है, उसकी भरपाई नहीं हो सकती जी। हाँ, अभी स्कूल प्रशासन से बात हुई है, स्कूल प्रशासन कहता है ये हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है, आप अपने सरपंच को मिलो, जैसे जाओ आप बच्चों को रोज लेके जाओ और छोड़ के जाओ। हम चाहते हैं, हमें सरपंच को बुलाया मौके पे, सरपंच आते हैं, सरपंच को पहले बोला हुआ है, अब सरपंच जो समाधान करेंगे, हम डीसी तक के पास पैसे होंगे। अगर हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा, हम स्कूल वहाँ जब तक स्कूल पूरी फैसिलिटी में चालू नहीं होता जब तक बच्चों को नहीं भेजेंगे जी। हम चाहते हैं कि स्कूल बिल्कुल सड़क बन जाए, दोनों तरफ बच्चों की सेफ्टी हो, पहले बच्चों की सेफ्टी उसके बाद स्कूल है जी। दिक्कत ये है सर, उस स्कूल में शिफ्ट हुए हैं जो शिफ्ट कर रहे हैं बच्चों को, वहाँ पे कोई सेफ्टी नहीं है, दोनों तरफ बड़े बड़े छप्पड़ है। हमें इस बात का डर है कि अनजाने में बच्चे कुछ कर जाए तो हम किस इसकी भरपाई कौन करेगा। पेपर जब तक मार्च के एग्जाम नहीं हो जाते बच्चों को वहाँ न भेजा जाए तो अप्रैल के बाद वहाँ सेफ्टी हो जाएगी, चार दीवारी हो जाए तो उसके बाद भेजा जाए। तो इन्होंने सरदार सर ने ये बात नहीं मंजूर करी तो बच्चों को वहाँ भेज दिया गया, लेकिन हम बच्चों को वहाँ नहीं भेजना चाहते जब तक कोई अच्छी तरह सेफ्टी नहीं हो जाती। हम स्कूल नहीं चलना चाहते, स्कूल नहीं चलाएंगे हम। तो क्या दिक्कत क्या है यहाँ पे? जोड़ है, जोड़ है, जोड़ पे दोनों बच्चे, हम क्या करेंगे, एक एक बच्चा हमारा कल नहीं, ये गुजर गया तो बड़े खड्डे हैं यहाँ पे, इतने बड़े खड्डे हैं। दिक्कत क्या है, 20-20 फुट के ये गड्ढे हैं, छोटे छोटे बच्चे, मेरे तो एक लड़का है ये, तो मैं इसको यहाँ भेजूंगा तो इसके पीछे पीछे थोड़ी रहूंगा मैं, तो हमने भी काम करना है जी, ऐसी बात थोड़ी है। आप ऐसे कर सकते हैं, बड़े बड़ी क्लासों वालों को यहाँ शिफ्ट कर दो, छोटे बच्चों को वहाँ कर दो। उसके लिए तो गांव के सरपंच ने भी जो है कहा है कि हम वहाँ पर ड्यूटी लगा देंगे छुट्टी के टाइम, और सुबह जब बच्चे आएंगे वहाँ पे बैठे रहेंगे गांव के कुछ मेंबर्स, और वे एज ए सरपंच जो है पूरी अपनी एश्योरेंस दे रहे हैं बच्चों की सिक्योरिटी के लिए। बाकी एक बार तो जो है नई जगह पे जहाँ भी हम जाते हैं हर जगह नई समस्याएं आती हैं और उनका समाधान भी होता है धीरे धीरे करके। एक एक क्लासेस जो है 5, 9, 17 से वहाँ पर एक एक दो दो क्लासेस जाती रही हैं स्टाफ के साथ, और क्लासेस लगती भी रही हैं, और वहाँ पर ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी इतने महीने में। प्राइमरी स्कूल ही हुआ है जी शिफ्ट, GPS वो बिल्डिंग प्राइमरी स्कूल के लिए ही मिली हुई है, वहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी पहले, अब जो है चार दीवारी हो गई थी और गांव की ही मदद से वहां पर तारें वगैरह लगा दी गई हैं।